नमस्कार, Yalsar.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 193, 193। आज हमारे साथ हैं श्रीमान सागर जी खाचरिया, जो कि महासचिव हैं अखिल भारतीय किसान सभा जिला जिला चौधरी कमेटी सीकर। सीकर के। साक्षात्कार के समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं पहले परिवार से। बताएं परिवार में कौन कौन है। परिवार में माता जी है, पिताजी है, धर्मपत्नी है, चार बेटे बेटियां हैं। जी, माता पिता का नाम। पिताजी का नाम नानू राम जी है, जी, माता जी का नाम बहुरी देवी है, और मेरी और धर्मपत्नी का नाम गीता खाचरिया है। ससुराल कौन सी जगह है। ससुराल नागौर जिले के नावा तहसील में है, मुआणा ग्राम है। जी, और संतति के बारे में नाम बताएं क्रम से संतान। संतान बड़ा बेटा है जितेंद्र खाचरिया, जी उससे छोटी तीन बेटियां हैं प्रेमलता, विमलेश, निर्मला खाचरिया। जी और पीछे पीढ़े हैं। दादा दादाजी के नाम याद है। दादाजी हाँ, का नाम बताएं। दादाजी जोधाराम जी, दादाजी का नाम था, जी 1984 में वो एक्सपायर हो गए। जी दादी जी 1998 में एक्सपायर हो गई। नानी देवी उनका नाम था। अपनी शिक्षा के बारे में कुछ बताएं। मैंने बीकॉम किया है जी एस के एस गवर्नमेंट कॉलेज सीकर से, जी जी 1989 में। तो पढ़ते समय अपने प्यारे गुरुजी पढ़ते समय सभी सभी गुरुजी रहते हैं, अपने लेकिन फिर भी प्यारे कोई गुरुजी थे थे, तो सभी गुरुजनों आशीर्वाद का रहा। आशीर्वाद रहा। तो अपने दोस्तों के नाम, दोस्त भी इस फील्ड में दोस्त तो मैं खूब दोस्त थे, खूब काफी ही अच्छे दोस्त थे। तो घूमने गए हैं कहीं बाहर हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में लगभग मेट्रो सिटी जो है वो सब देख ली। सभी जगह गए तो हैं। राजस्थान को छोड़े कौन सी जगह अच्छी लगी आपको। राजस्थान से हिंदुस्तान में देखें तो दुनिया में हिंदुस्तान सबसे बढ़िया दिखता है, और राजस्थान देश में राजस्थान सबसे बढ़िया दिखता जी है। जी अभी तक जितने जो उपद्रव होते हैं बाकी हिंदुस्तान में उतने राजस्थान में नहीं होते। अभी हाँ, भी नहीं होते, बिल्कुल शांति शांत है। है, हाँ, कल्चर अपनी अच्छी है, आबादी भी कम है, आबादी भी कम। बड़ा भी है, हाँ सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान अभी हाँ वर्तमान में, पहले यूपी था टूट के ना। तो खेल पढ़ते समय को खेल में रुचि रही आपकी। हॉकी मेरा गेम रहा है। हाई सेकेंडरी तक हॉकी हमने खेली कोई है। प्रतिस्पर्धा जीती है उसमें। उसमें बनुड़ा में जहाँ मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है, बनुड़ा की टीम उस समय 1984-85 तक बहुत शानदार टीम होती थी, जी और पूरे जिले में वो जीतती थी। हम उस समय तक जीते। तो आप बानुड़ा से हैं। हाँ, अच्छा। बनुड़ा मेरा पैतृक गांव है, उसके पास में डाणी है, तिपना की डाणी। तिपने दिन। हाँ। हाँ, तो खाने में कोई विशेष रुचि है आपकी। नहीं, मैं बिल्कुल सादा भोजन करता हूँ, और कोई विशेष नहीं है। तो दिनचर्या कैसी है। सुबह उठने। सुबह 4 बजे उठते हैं, जी 2 घंटे तक मॉर्निंग वॉक और नित्य कर्म करते हैं। कर्म करते हैं। उसके बाद मैं अखबार पढ़ने का है, न्यूज़ देखने का है, सोशल मीडिया पे देखने का है, वो करते हैं। फिर 10 बजे खाना खा करके ऑफिस आ जाते और हैं। ऑफिस। तो ये इस पार्टी से कब से जुड़े हैं आप। राजनीति में कब रुचि हुई आपकी। मैं जब कॉलेज में आया सीकर में, और कॉलेज में मैंने देखा कि यहाँ पर छात्रों का जो छात्र संगठन है SFI, जी। वो छात्रों के लिए लड़ता है और करता है, और उसी दरमियान छात्रों पे एक दमन होता है। अपने यहाँ पास में किसान छात्रावास है 1987 में, उस दमन से प्रेरित होकर के मैं छात्र संगठन से जुड़ा, यहाँ काम किया। फिर उसके बाद में नौजवान सभा के बाद में किसान सभा, जी। और अभी तक किसान सभा में किसानों के लिए। तो तब से लेकर अब तक कितना परिवर्तन महसूस किया आपने, कितने उठापटक देखी है। तब से लेकर के अब तक जनता जागरूक हुई है जी अपने अधिकारों के लिए। जो भी आंदोलन मैंने देखे हैं 1989 के बाद में, जितने भी आंदोलन हुए हैं, हर आंदोलन में जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और आज हम देखते हैं कि पहले सत्ता की तरफ से दमन होता था, जी जी आजकल लोग इतने समझदार हो गए, इतने जागरूक हैं अपने कि हकों के अपने प्रति हकों के प्रति वो सड़क पे आते हैं, और उसके सामने सत्ता है वो बेबस नजर आती है, लाचार नजर और आते उससे हैं। बात करना पड़ता है। एक छोटा सवाल पूछना चाहिए मुझे। ये जो जागेट बोर्डिंग है इसमें मैंने देखा है भाई कोई दंगा उपद्रव साथ पुलिस का कोई नहीं रहता है, लेकिन अगर यहाँ कोई आसपास में बोर्डिंग पूछे तो जागेट बोर्डिंग में जानता नहीं कोई, ना वह जाट बोर्डिंग का, और पुलिस अमूमन प्राय कर वहां घुस जाती है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पुलिस अति करती है कि भाई ये छात्र हैं, अगर कुछ हो भी जाती है इक्का दुक्का, अगर वो बदमाशी कर भी लेता है तो ऐसा तो नहीं सबको कूट डालें, सबको पीट डालें। नहीं, ये गलत है। उसके पीछे एक कारण है, बताएं। जाट बोर्डिंग जिस नाम से है, जी ये छात्रावास या ये जगह जी
आजादी से पहले तक एक लड़ाई का सेंटर रही है अच्छा सत्ता के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए, जी जी और तब से लेकर के आज तक यहाँ जितने भी लोग पढ़े हैं उसमें कोई एक जाति विशेष नहीं है, लीक तमाम हुई, जातियों लीक के हो ही रही है छात्र वहाँ पढ़ते हैं, और जी। उन छात्रों ने हमेशा से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना सीखा है और वहाँ से लड़ाइयाँ लड़ी है, और राजसत्ता में बैठे हुए लोग ये नहीं चाहते कि ऐसे सेंटर चले, जी और उसी का मकसद है राजसत्ता का कि वो आए दिन उस पे अटैक करते हैं जैसा 1987 में उन्होंने किया, और जी बार जी बार कोशिश करते हैं हालांकि वो सफल उसमें कम होते हैं, जी जी इसलिए उसको जानबूझ करके थोड़ा सा ये ऊपर लाया गया ऊपर ना। लाया गया, हाईलाइट किया गया। अब ये जो किसान आंदोलन हुआ, ये किसान आंदोलन अभूतपूर्व था कई मायनों में, अगर कुछ छोटी मोटी बातों को छोड़ दे तो, क्योंकि जितने बड़े जितने परिदृश्य में ये जो है ऊपर आया उभर कर आया उसको देखें तो ये काफी हद तक सफल माना जाएगा। क्या होता है अमूमन आम लोगों को तो जैसे ये दिखता है अभी बड़े नेता है, वो लोगों को इकट्ठा किया, भाषण दिए और सरकार से मांगे मनवाई, ठीक है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा काम करना पड़ता है बैकग्राउंड में, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, तारीख वगैरह बातें करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है क्या प्रारूप होगा आंदोलन का। तो इसके पीछे मुझे पता लगा, सुना भी कि भी आपका बहुत ही इसमें योगदान रहा है, तो बताएं कृपया कि किस तरीके से आपने इसको समायोजित किया। इसमें हमने सबसे पहले तो ये देखा कि ज्यों ही महाराष्ट्र और मंदसौर की जो घटनाएं हुई जी आंदोलन कर्जा जी माफी को लेकर के, जी अरे किसान की चर्चा पूरे देश में आई, जी अपन ने भी यहाँ बैठ करके जिला कमेटी ने सीकर ने ये महसूस किया कि सीकर में इसको करना चाहिए, जी और 16 तारीख को 16 जून को हमने तय किया कि किसानों के पास में जाकर के मंडी में अपन मीटिंग करें। जी उस मीटिंग में काफी लोग किसान जो है उसमें आए, जी और उससे ये अपेक्षा हुई कि ये आंदोलन राजस्थान में हो सकता है। जी जी उसके बाद में लगातार हमने गांव से लेकर के सड़क तक हर तबके के जो लोग थे उनसे मिलकर के बातचीत की, चर्चा जी की, तो सभी लोगों ने भरोसा दिलाया कि ये वास्तव में कर्जा माफी होनी चाहिए, जो किसान कर्जे में डूब रहा है आत्महत्या कर रहा है उसके बचाने के लिए ये आंदोलन होना चाहिए, जी और उसके लिए हमने पूरी तैयारी की। तमाम तरह के संगठन इसमें शामिल हुए, 51 से ज्यादा संगठन अपने इस आंदोलन में सीकर में लोगों ने समर्थन दिया, जी तमाम तबके उसमें शामिल हुए, और पूरा एक जन आंदोलन बन गया। उसके लिए तमाम लोगों से मिलने का, और 2-3 महीने की जो तैयारी थी बस 2-3 महीने वो लगे दो उसमें तीन बैकग्राउंड में। 16 जून को हमने शुरू किया, और 16 जून से लगातार ये 13 तारीख को 13 सितंबर को खत्म हुआ, लगभग 3 महीने होते हैं, तब तक लगातार हमने लोगों के बीच में आना जाना, बात करना, सब समूह से मिलना, जी ये जारी रखा। कई कहते हैं बगैर नेतृत्व, बगैर नेतृत्व देखा हमने बाकी राज्यों में ये दिशाहीन हो गया और वहाँ लूटपाट वगैरह बदमाशी वगैरह हुई, पुलिस का दमन भी हुआ, लेकिन यहाँ जो है नेतृत्व सबल था ना, है ना, सक्षम नेतृत्व सक्षम था, नेतृत्व। तो काम आराम से निपट गया, मांगी मानी गई। लेकिन मैंने महसूस किया कि अपने जो जनप्रतिनिधि हैं जो निर्वाचित हैं उनका तो कहीं दखलंदाजी का रोल कुछ भी नहीं दिखा इसमें, हाँ, ये बिल्कुल आंदोलनीय ऐतिहासिक उदासीनता था, रही उनकी। उदासीनता थी। अभी पूरे हमने लगातार किसान सभा के प्लेटफार्म पर इसको लड़ा, जी और हमने तमाम तबकों को, तमाम जनप्रतिनिधि को बुलाया जी कि आप सभी आओ यहाँ पर अपनी बात रखो, अगर निर्वाचित जनप्रतिनिधि आते हैं तो बात ठोस तरीके से सुनी जाती जी है, सरकार उसको सुनती है, लेकिन ये दुर्भाग्य कहेंगे अपने जिले का कि एक भी निर्वाचित प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का अपने स्टेज पर के आके किसान के बीच में आकर के समर्थन देने के लिए आया। समर्थन देना तो दूर, अखबार में भी एक दिन भी उन्होंने इनकी लाइन भी कहा नहीं नहीं, छपी। लाइन भी छपी नहीं, जो हमारा दुर्भाग्य है इस ऐतिहासिक आंदोलन में, जबकि जनता की इसमें बहुत बड़ी अब लामबंदी थी। कहने के लोगों ने ये भी कहा भाई जी ये तो पार्टी वाले क्या कर रहे हैं, लेकिन इसमें पार्टी का रोल नहीं था क्योंकि इसमें तो सभी वर्ग के लोग आए थे, लेकिन लोगों ने ये भी कहने से नहीं चूकते जी ये तो चुनाव की तैयारी है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो आंदोलन होते हैं वो किसी के कहने से नहीं होते, जी उसकी एक परिस्थिति अलग होती है। अपने किसान सभा ने यह महसूस किया कि इस समय राजस्थान का किसान कर्ज में डूबा हुआ है, जो और राजस्थान में भी किसान लड़ रहा है इसके जी जी खिलाफ, अपन को भी इसमें किसानों के पास में जाना हाँ चाहिए। हमारा नाम तो सिक्किम में लड़ लेंगे, बाकी बाकी हाँ, जिलों में बाकी हमारा जगह नाम थोड़ी अपना लड़ेंगे। आराम नहीं लड़ेंगे, तो इसलिए तैयारी करके जब शुरू की, लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि किसान सभा ने पिछले दफा 2-3 दफे बिजली का जो आंदोलन लड़ा है, जी जी एक शानदार उसमें बहुत अमृतवार होंगे। जी सफलता जी जी फिलहाल हासिल किए, चाहे वो 2005 का अमरुदों का बाग हो, चाहे अभी अपना हाल जो फिलहाल किया था। फरवरी में अपने जी जो जी किया वो था, तो उसमें जनता का भरोसा था कि किसान सभा जो है इनके वो हाथों में संगठन बागडोर ऐसा रहेगी है, तो बागडोर रहेगी तो आंदोलन दिशाहीन नहीं होगा और जीत के आएंगे, जी जी और उसी का परिणाम है कि 13 दिन मापड़ाव रहा, 3 दिन चक्का जाम रहा, और कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं जी हुई, जी और प्रशासन की तरफ से भी हम जब कलेक्टर से मिलने गए बाद में, तो यहाँ के जिला कलेक्टर ने ये कहा कि मैंने पूरे देश में पूरा हमने पढ़ा कि गांधी जी का अहिंसक का आंदोलन होता था, जी जी लेकिन इस आंदोलन में प्रैक्टिकल में मैंने देखा है कि आंदोलन में
कोई तरह की हिंसा तो दूर की बात है, अनुशासित आंदोलन था। जी एक छोटी सी बात जो सबको अखरती भी थोड़ी बहुत है, शायद आपसे सुनना भी चाहेंगे, बड़े नेताओं ने कहा ये जो पेड़ हैं कई जगह पेड़ काट डालेंगे, तो पेड़ लगाएंगे दोबारा थोड़े छोटे मोटे नहीं, जो पेड़ किक किक करके बिल्कुल, पेड़ काट किसान सबसे ज्यादा कोई रक्षा डाले। करता है पेड़ की तो किसान करता है, और कहीं कोई रास्ते पे पेड़ डाल भी दिया होगा, मैं नहीं कहता, डल भी जाता होगा, दादा लेकिन से सीकर के बीच में वहाँ काफी पेड़ कटे। डल गया होगा, वो भी है, क्योंकि आंदोलन का दौर था, वो दस जी दिन जी लोग वहाँ खड़े मंडी में बैठे रहे, और फिर एक समय की सीमा काट तो दिया होती है, एक लेकिन अगर दहेज लग होता जाए है। वापस तो हाँ बेहतर, बिल्कुल, क्यों नहीं, किसान सबसे ज्यादा पेड़ लगाता रक्षा भी है, उनकी भी रक्षा करते भी हैं करता है, उनकी। इसलिए कोई दो राय नहीं, पेड़ बिल्कुल लगाएंगे, पेड़ भी लगाएंगे, फसल भी लगाएंगे, और इस जनता के लिए सब कुछ किसान क्या लगता करेगा। है आपको ये आंदोलन में जो मांगे मानेगी कितना कितना सफल रहा है आपके हिसाब से, जो सरकार की तरफ से ये आश्वास है? आंदोलन की सरकार की तरफ से वार्ता हुई है, उसमें 50,000 तक का सभी किसानों का कर्जा माफ करने की बात तय हुई जी है, और सरकार ने ये कहा कि 1 महीने में हम एक कमेटी बनाएंगे जो रिपोर्ट देगी, और फिर उसको किस तरीके से करना है वो हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये राजस्थान में पहली बार हुआ है, और 50,000 का कर्जा सभी किसानों का माफ होगा, चाहे वो ओवर ड्यू है, चाहे बड़े हैं, छोटे हैं, चाहे टाइम पर जमा करवाते हैं। लेकिन मैंने कहीं कल अखबार में पढ़ा था, पता फेसबुक पे, कि ट्रैक्टर वगैरह को भी कॉमर्शियल वाहनों की श्रेणी में लाने की योजना कर रहे हैं, जीएसटी वगैरह का कुछ चक्कर है, तो जीएसटी स्लैब से कुछ फर्क पड़ा है? नहीं, जीएसटी से इसमें कोई फर्क नहीं है, कृषि के लिए कोई भी लोन लिया है, जो कृषि की डेफिनेशन में आता है, उस लोन में से 50,000 कम होगा, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से फसली ऋण हो, चाहे भूमि विकास बैंक सहकारी बैंक से हो, चाहे दिगर जो बैंक है वहां से केसीसी बनवा रखा जी है, जी और अपने जिले में लगभग 95% किसान जो है इससे प्रभावित है, बनाया एक हुआ। बात है सबको शायद सुननी भी चाहिए कि दौंद में दांतारामगढ़ में आपका वर्चस्व रहा है, तो ये जो अपने बाकी तहसीलें हैं उनमें क्यों नहीं बढ़ पाती है? नहीं, किसान सभा की दृष्टि से देखें तो पूरे जिले में 8 तहसील हैं, 8-8 तहसीलों में किसान सभा का संगठन है, और इस आंदोलन में भी 8-8 तहसीलों से लोग काफी विधायक मात्रा विधायक में आए विधायक हैं। की बात करें अभी तो राजनीति की बात करेंगे तो वहां पर उसके पीछे और कई कारण होते हैं, जातिवाद भी होता है, कई तरह की, अभी क्योंकि हम उस व्यवस्था में हैं जहाँ सामंती असर धन बल है, भी होता धन है, बल होता है, कई तरह के माफियाज होते तुष्टिकरण भी हैं, होता है। तुष्टिकरण भी होता है, तमाम चीजें, लेकिन फिर भी इन तमाम का मुकाबला करते हुए किसान सभा और इसमें जाएगी, और लोगों को कहेगी कि जो लोग आपके पास में हो, पक्ष में हो, उनको पक्ष में करें। किसान सभा ये काम भी करती है क्या, कि जैसे कुछ राज्य में अगर उन्नत किसान है, कोई नई तकनीक है, तो यहाँ के किसानों को वहां उनका दौरा करवाया जाए? सरकार तो करवाती है, लेकिन क्या किसान सभा भी करवाती बिल्कुल, है? किसान सभा भी, जो किसान खेती के बारे में ज्यादा अग्रेसिव हैं, ऐसे किसानों को अगर वो चाहें तो इच्छुक हो, तो दूसरे जहां जगह, दूसरे स्टेट जो है वहां पर विजिट भी हम करवाते हैं समय समय पर। जैसे कि कई बार देखते हैं कई मांगे होती हैं, वो छात्र मनवाना चाहते हैं, उन्हें बड़े नेता नहीं साथ रहते हैं, सिर्फ छात्र अपने दम पर, तो थोड़े समय तो शांत रहते हैं, फिर क्या होता है कहीं गेट तोड़ना, किसी घेराव करना, कमरे बंद कर लेना प्रिंसिपल वगैरह का, तो कई बार सरकारी संपत्ति का भी नुकसान होता है, भले कोई सा गुट हो, तो छात्र अगर मर्यादा तोड़ते हैं, मर्यादाहीनता आती है, तो फिर प्रशासन के पास क्या विकल्प रह जाता है? छात्रों का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूँ छात्र कोई भी, एक तो नौजवान है, जी एक उनकी मांगे ऐसी हो गई, अभी इन नीतियों का प्रभाव ऐसा हो गया है कि अपने जिले में अगर देखें तो एडमिशन के लिए छात्र को कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, जी 80% 70% बहुत से ऊपर गया, ऊपर कट बहुत ऑफ है, बहुत ऊपर गया। तो पढ़ाई से वंचित कर रहे हैं, और जिस किसी को पढ़ाई से वंचित करेंगे तो उसके पास में हथियार एक ही है कि वो आंदोलन करे, अपनी बात करने लड़े की लड़े बात कुछ ना करे, कुछ हाँ लड़े, करे। और उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आए तो कुछ हो सकता है, उसमें जी ऐसा जी हो जाता है, तो वो नौजवान है। एक छोटी सी बात हम जेएनयू पर करें, जेएनयू बीएचयू पर करें, ये जो अभी हाल फिलहाल लड़कियों वाला लाठीचार्ज हुआ, आदमी भी नहीं थे वहाँ, औरतें नहीं थी, सिर्फ आदमी जेंट थे, और मांगे इतनी थी कि भी हमें सुरक्षा दे और प्रतिबंधों का सामना न करना पड़े, समानता का अधिकार, सुरक्षा और समानता, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, हर धर्मियता दिखाई और उन पर लाठियां चार्ज हुई नवरात्रों के दिनों में, इस पर कुछ कहना चाहें? इस पर यही है, क्योंकि ये जो सरकार है वो आरएसएस के निर्देशन में है, बीएचयू की जब बात करें अपन तो वहां का जो वीसी बनाया गया है वो आरएसएस से सीधा का सीधा लिंक रखता है, जी जी और उसकी कोई योग्यता वीसी की जी जी नहीं है, और वो ऐसा व्यक्ति है कि उसने जानबूझ करके जो लड़कियां सुरक्षा मांग रही थी उन्हीं लड़कियों को वो कहता है कि तुम्हें रात को या दिन में बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये नहीं जो खाना सबसे चाहिए। गंदे नहीं खाना चाहिए ये है, तो जब विश्वविद्यालय की छात्राओं को ये कहा जाएगा वीसी के द्वारा, तो फिर वो आंदोलन सोच में सकते हैं जाएगा। स्कूल हाँ के स्कूली छात्रों का क्या हाल रहता? बिल्कुल, बुरा हाल है, और इस देश में जो अभी व्यवस्था है मैं समझता हूँ शिक्षा की, ये सरकार आने के बाद में आरएसएस से संचालित है, और बुरा हाल है कि वो वापस वर्ण व्यवस्था में ले जाने की ओर जी अग्रसर है। तो अभी आने वाले चुनाव जो होंगे उनमें क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आपके? प्रमुख मुद्दे यही है, किसान की फसल का उचित भाव मिले, जी बेरोजगार जो है
किसान के घर में भी है, मजदूर के घर में है, शहरी के घर में भी है, उसको पिछले कई सालों से रोजगार नहीं मिल रहा, उसको रोजगार मिले, जी जो वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन मिले, यही प्रमुख रूप से अभी जो मुद्दे हैं उसमें ये मुद्दा जी है। जी तो ये जो पार्टी चलती है इसमें जो आपको सहयोग तो करना ही पड़ता है, पैसों का वगैरह सहयोग तो होता है ना, तो इसमें आराम से काम चल जाता है भामाशाह आप क्योंकि देन। वो जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं और जी जनता जो पैसा देती है उसी को खर्च करके चुनाव में जाने तो का इस काम ऑफिस में करते सारे हैं जितने आदमी बैठे हैं वो उनमें कुछ उसको कुछ पैसा तो मिलता नहीं, सिर्फ ना, सेवा है, सेवा पार्टी की सेवा है। पार्टी की सेवा, वो अलग अलग जन संगठन के ओल्ड टाइम है ना, वो अपना जो समय है वो यहाँ करके देते हैं जनता के लिए और संगठन के लिए। चलिए सागर जी, आपने समय निकाला इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्त आदमी है, सिर्फ एक छोटा सा संदेश अपने सहयोगियों के नाम। सहयोगियों को यही है कि वो जनता के लिए काम करें, जनता के जो मुद्दे हैं वो उठाएं, जनता के लिए लड़े, यही मर्यादा में रहें, मर्यादा में। हो सके जहां तक कानून का पालन करने की कोशिश बिल्कुल, करें। कानून का पालन हम लोग भी करते हैं, सबको कानून के दायरे में और संविधान के दायरे में ही करना। ठीक है, साक्षात्कार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।